घर से निकलकर कुछ दूर चलकर डिगी हो गई घर से बेघर। अब डिगी को कर दिया घर वालों ने नॉकआउट। तो डिगी अब खुश है या है दुखी, ये तो डिगी खुद ही बताएंगी ना। तो चलिए चलते हैं दिगांगना के पास और जानते हैं उनसे उनके बिग बॉस के घर के एक्सपीरियंसेस। खुश पता नहीं मेरे इमोशंस हैं। खुश मैं बहुत ज्यादा इसलिए हूँ कि लोगों ने मुझे पिक नहीं किया। इनफैक्ट बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे अब तक के हाईएस्ट वोट्स मिले थे। सो अगर वोटिंग के बेसिस पे होता तो मैं फिर भी घर के अंदर होती, जो मेरे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग है। और मैं खुश हूँ कि मैंने अपना ग्रेस और डिग्निटी नहीं खोई। मैं जिस लेवल पे जिस स्टैंडर्ड को सेट करके गई थी मैं उस पर खरी उतरी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड सेकेंडली घर के अंदर ये लोगों ने मुझे बाहर निकाला, जिसका रीजन भी मैं जानती हूँ, तो म्यूचुअल हो गए। मुझे एलर्जी भी हो गई थी, सो मैं जो रात को मेडिसिन खा रही थी एविल एलग्रा बाकी सारी, उससे ड्राउजीनेस बहुत होती थी एंड कुछ सिरप्स भी। तो वो कॉन्स्टेंटली दिन में भी मैं उतना अवेक फील नहीं कर रही थी जितना मैं एक्चुअली फील करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रीजन था। सेकेंडली मैं इस गेम के लिए बहुत रियल हूँ, तो जो मैं बाहर हूँ वही मैं घर के अंदर फील है। जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ प्रिंसेस कल्चर एंड बी अ प्रिंसेस इनसाइड आउट, तो कहीं ना कहीं वो सेंसिबिलिटी वो चीज़ें मैंने इम्प्रूव की कि मैं ऐसी हूँ और यही मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, इनके नीचे मैं नहीं जाती। तो कई बार लोगों को डबल फेस्ड लोगों को देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा नहीं है कि बातें हुई नहीं थी घर में, हुई थी, बट फिर भी कि यार इसने ऐसा कहा और ये जाके बदल गया, वो सारे फैक्टर्स मुझ में नहीं है। मुझे सब ये कहते हुए कि सबका इंतजार ये था कि यार ये बहुत लेवल है इंसान, इसके दिमाग के साथ खेलना आसान नहीं है। एंड ये बात सब लोग घर के अंदर जानते थे कि मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जो भी मैं कहती हूँ इंडिविजुअली कहती हूँ, और मेरे दिमाग के साथ आप प्ले नहीं कर सकते कि यार दिगंगना बच्ची उसको जाके बोल दो, मैं आपके नेक्स्ट लेवल का आंसर देना जानती हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे सब ने कहा कि मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं नजर आई। हाँ, कीश्वर और सुयाश मेरे लिए बहुत पैम्परिंग, मतलब यू नो वो मेरे बेड के बाजू वाला बेड उनका था, सो हमारी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होते थे। बट ऑब्वियसली मेरा झुकाव एज सच सबकी तरफ बहुत न्यूट्रल था, बिकॉज अगर मैं कुक भी कर रही हूँ तो वो सबके लिए है, मेरी बातचीत भी हो रही है सबसे है, और अगर मुझे कोई गलत लगता है तो वो मैंने वो कीश है या कोई और है। जैसे थूकने वाला इंसिडेंट हुआ था तो तब मैंने कीश को भी बोला था कि प्लीज़ मत करो, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं कौन होती हूँ या किसी और का ओपिनियन बदलने वाली, बिकॉज उसके पहले वो चर्चा हो चुकी थी क्योंकि मैंने नहीं थूका, बिकॉज वो मेरे मॉरल्स और एथिक्स के बहुत नीचे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दूर रहूंगी। बट आप हर किसी को सब कुछ करने से नहीं रोक सकते, अदरवाइज देयर स्वीट पीपल। मैं अपसेट नहीं कहूंगी, मैं कीश्वर को समय मेरे ओपिनियंस लोगों के बारे में बदल रहे थे, यू नो जिससे लोग बदल जाते हैं अंदर कारण कुछ और सोचते हैं। तो जब कीश्वर ने ये किया मैं जानना चाह रही थी कि उन्होंने वो क्यों किया, बिकॉज उसी दौरान जब प्रिया भी आई थी एंड बाकी सारी चीज़ें हुई थी, कहीं ना कहीं मेरा थॉट प्रोसेस लोगों को लेके चेंज हो रहा था कि यार आप मैं इनका इंटरप्रिटेशन जैसा कर रही हूँ शायद इसे थोड़े से अलग हैं। सो उस उलझन में बिकॉज मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ मैंने डायरेक्टली जाके उनसे पूछना ज़रूरी समझा, बजाय खुद ही अपना यू नो कि किसी और से जाके बात करूँ यार कीश्वर ने ऐसा कर लिया, बिकॉज मैं वैसे इंसान नहीं हूँ। सब अपसेट होने से ज़्यादा ये था कि आप क्लियर कट मुझे बताओ कि आप एक्चुअली क्या सोचते हो मेरे बारे में, बिकॉज मैं वो अप्रिशिएट भी करती हूँ। सो वो कॉन्वर्सेशन उस बारे में मैंने कहा दोस्ती बहुत बड़ा शब्द होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। मंदना हमेशा बहुत इंडिविजुअली खेलना चाह रही थी, इनिशियली रोशेल ने बहुत कोशिश की उनसे दोस्ती करने की, अब वो भी समझ गए कि वो दोस्त नहीं बन सकते, वो अलग बात है। बट मैंने एफर्ट हमेशा रोशेल के साइड से देखा, मन्ना के साइड से नहीं। लेकिन ये बात भी ट्रू है कि मन्ना बहुत क्लियर थी कि मैं अकेले गेम खेल रही हूँ, और कीथ और रोशेल उनके क्लोज आ रहे थे, फिर वही दूर हो रहे थे, वही क्लोज आ रहे थे, वही दूर हो रहे थे, लेकिन मन्ना यहाँ पर ही थी। सो आई थिंक वो इक्वेशन बदलना तो बनता है, आप कितने टाइम तक कोशिश कर सकते हो यार किसी के साथ फ्रेंड्स होने की। सो थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत जेन्युइनली कह रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत प्राउड हूँ कि मुझे आप लोगों ने विक्ट नहीं किया। और जब मुझे पता चला कि मुझे अब तक के हाईएस्ट वोट्स मिले, मुझे सच में वो एक जो प्लेजर होता है ना, मुझे नहीं लगता है कोई आपको बता सकता है कि आप क्या फील करो उस मोमेंट पे। सो थैंक यू,
कि आप लोग वो फीलिंग उस फीलिंग का रीजन आप लोग हैं, आप लोग वोट नहीं करते वो फीलिंग भी नहीं होती. सो थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझ में इतना बिलीव करने के लिए. आई होप कि मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतरी हूँ एज अ ह्यूमन बींग. जो मैंने पैरामीटर सेट किया था, जो मैंने अपनी एंट्री में भी कहा था कि मेरे लिए मैं अपने आप को अपने पैरामीटर्स पर चेक करना चाहती हूँ, आई होप मैंने वो किया और मैंने अपने आप को डिसग्रेसफुल नहीं किया. सो थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट सिस्टम रहने के लिए. आई होप हमारे बीच कनेक्शन हमेशा रहे. आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड.